मोदी को वोट देगा उसके बाद यहाँ पर आना भी बंद हो जाएगा। बिहार का जितना भी बिहारी है सब बंगाल में आके रोजी रोटी खा रहा, आज जाके बोल रहा है जब मोदी को वोट देंगे। आज तुम मोदी को वोट देगा, कल तुमको यहाँ से भगा देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इलेक्शन में बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में चुनावी माहौल क्या है, लोगों की सोच क्या है, वो लगातार आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं और किसको नापसंद कर रहे हैं। आज आर्मेनियम घाट पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर एक बस्ती है उसमें पहुंचे हैं, क्योंकि हर एक तबके का ख्याल जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दीदी ने इनके लिए यहाँ पर क्या कुछ किया है और मोदी से ये क्या आस लगा रहे हैं। तो चलिए सीधा इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन है तो इनकी सोच क्या है। अब बहुत कम समय बचा है इलेक्शन में, किसको वोट देने वाली हैं? देना है दीदी को। दीदी के अलावा किसी और को? नहीं। मोदी जी को एक बार देख दे दीजिए। नहीं, वो लायक ही नहीं वोट का। ऐसा क्यों? ऐसे ही वो लायक ही नहीं वोट का हम लोग का, कलकत्ता का। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार सुनार बांग्ला बना देंगे। वो बांग्ला क्या बनाएगा, वो अपना बांग्ला पहले देखे ना, वो अपना यहाँ पर क्या बांग्ला बनाएगा। हम लोग गरीब है, गरीब हम लोग रहेंगे। आवाज भी देने की बात कर रहा है मोदी जी। कुछ नहीं चाहिए उनको, उनका बस से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, जो है ऐसे ही ठीक है। दीदी जिंदाबाद। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक बार मौका दे के दीजिए, 5 रुपए में 3 बार खाना मिलेगा। नहीं, हमको तो चाहिए मोदी का हावड़ा ब्रिज पार ही नहीं होना चाहिए। हावड़ा ब्रिज को उस पर रहे, इस पर नहीं होना चाहिए। चाची क्या कह रही हैं आप? चाची तो कह रहे ममता को वोट देगा। ममता के कारण हम लोग कई जगह बैठा है, मेरे जगह में हम लोग रहने नहीं सीखता, कब हम लोग को भगाता है। हमारा नाती का भी 20 साल हो गया, वो तो भी 3 दिन का उम्र था, हम लोग कहीं से भगाया। और तभी ममता आया तभी हम लोग केदार शांति में बैठा है। अब इलेक्शन में बहुत कम समय यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऐसे में देखने को ये कुछ मिल रहा है कि ममता दीदी की यहाँ पर लहर देखने को मिल रही है, लेकिन बार बार जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो छुपे रुस्तम होते हैं, वो आपको लगता है कि मोदी जी को वोट दे देंगे? कोई नहीं देगा, कलकत्ता में तो कोई नहीं देगा। हम लोग का ममता दीदी का तो दीदी का ही रहेगा। जीतू को एक वोट में भी जिताना तो जिताना ही है। प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी और मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी, इसमें राजी हैं? हाँ राजी हैं। प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन बंगाल में ममता दीदी? हाँ, ममता दीदी को चाहिए। उनके काम से खुश हैं? हाँ, हम लोग सब कुछ है। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ लग रहा है आपको, किसको वोट देने वाली है? दीदी को ही देंगे। दीदी के अलावा कोई नहीं? एक बार परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन बहुत कर लिया, और क्या करेंगे। भरोसा करके देखिए एक बार मोदी जी पर। भरोसा करके देखा है दीदी का ऊपर, और मोदी के ऊपर क्या भरोसा करेंगे। भरोसा नहीं कर पाएंगे भाई साहब, मोदी जी पर भरोसा हो जाएगा क्या? जी अभी तो हम वोट दिए नहीं है, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी कि इस बार बहुत कुछ सुविधा लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, अगर लेके आएंगे तो जरूर वोट देंगे। दीदी चाहिए नहीं चाहिए? सर जो मेरे को बेनिफिट देगा उसको हम वोट देंगे। तो अभी दीदी दे रही है बेनिफिट? अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि चलो बंगाल में एक शख्स तो मिला जो ये कह रहा है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौधरी। क्या काम करते हैं? हार्डवेयर का। लकड़ी का काम करते हैं? हार्डवेयर का दुकान में काम करते हैं। अच्छा, ऐसे मैम मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत रोजगार लेकर आ रहे हैं बंगाल में, सुनार बांग्ला बना देंगे, तो वोट देने वाले हैं क्या? हाँ, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे? हाँ जी। और ममता दीदी को? मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, ममता दीदी को नहीं देंगे? नहीं का कोई बात नहीं, हम मेरा ऊपर है, मोदी जी को वोट देंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग लोगों की सोच है, बोलिए। ममता को वोट दोगी तो इधर रहने सकेगा, ममता को वोट नहीं देगा इधर रहने नहीं सकेगा, यहाँ से भांगा बिहार भेज देगा। सुस्ता है, खाना ही बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद। क्या कह रही हैं? मोदी को वोट देगा उसके बाद यहाँ पर आना भी बंद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप, बताएं क्या कह रहे हैं? बोले बोले बोले। नहीं अभी नहीं बोले। नहीं बोलिए, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, बोलिए, आइए बोलिए, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है। दीदी ने कहा किया बिहार का आदमी को यहाँ पे छठ पूजा के लिए छुट्टी दिया था प्रधानमंत्री, दिया था दीदी ने लागू किया था, जो छठ पूजा के लिए 2 दिन छठ जो बिहार का जो पूजा है उसको बंगाल में बांग्ला घोषित कर दिया। बिहार का जितना भी बिहारी है सब बंगाल में आके रोजी रोटी खा रहा, आज जाके बोल रहा है जब मोदी को वोट देंगे, आज तुम मोदी को वोट देगा कल तुमको यहाँ से भगा देगा। इसलिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए आवास बना देंगे, घर बनाने की योजना ला रहे हैं। 5 साल पहले कहा किया, नोटबंदी करके कहा किया, कुछ किया?
लॉकडाउन कर दिया, खाने का ठीक नहीं है, यहाँ पे कौन दिया? अगर दीदी नहीं रहता तो 2 रुपये का किलो जो चावल मिलता था उसको भी फ्री कर दिया। कौन किया? राज्य सरकार किया, दीदी ने किया। मतलब दीदी के कामों से खुश हैं? खुश है, हम लोग पूरा खुश है, उसी का वोट देंगे हम लोग। हम लोग का जितना बस्ती में जितना आदमी है सब दीदी का ही समर्थन में है हम लोग। चलो दीदी के 5 काम गिना दो, क्या काम किया आप लोगों के लिए? दीदी का आपका वही जो स्वास्थ्य साथी कार्ड, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड और का कार्ड, कन्याश्री जो कार्ड लागू किए, सब दीदी का, सब दीदी का है। दीदी सारा कोई नहीं है, दीदी को वोट हम लोग देगा। कितनी उम्र है चाची आपकी? हमरा 70 साल, 80 साल। हाँ, 80 साल में ममता बनर्जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं आया? नहीं यार, ये ममता ही, सिर्फ ममता दीदी, उसके अलावा कोई नहीं? नहीं, उसका बाद तो बहुत आया, बहुत ही साल आ गया, बहुत आया, बहुत ही साल लगा। ममता ही जितना दिन है हम लोग को उतना दिन इधर से आराम से है। ममता बनर्जी को मौका दिया आप लोगों ने, उससे आप खुश हैं, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री मोदी को मौका दे दें, क्या पता उनसे भी खुश हो जाए। उसको मौका नहीं देगा, वो पाए बोलते दादा का परदादा का कार्ड काट लेकर वो कहा आनेगा। हम लोग तो कभी अस्पताल का दर्द में कभी गए नहीं, हमको 18 बच्चे का माँ है, कभी अस्पताल का दर्द में नहीं गया। हम लोग तो फुट में ही हुआ आधा करता मोड़ बुरा कर दो, एक कर दो, ऐसा ही कर दो। हम लोग तो पहले शुरू में राशन कार्ड हुआ था और वोट कार्ड हुआ था, अभी कितना कितना निकल गया। हम लोग तो आलम में तो ये सब नहीं था, हम लोग कभी कहाँ से देगा। हमारा ममता ईश्वर है, ममता को हम लोग वोट देगा। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर राजनीति जो सियासत है वो लगातार एक तरीके से गर्माती जा रही है, अलग अलग माहौल है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग सोच हैं, लेकिन यहाँ पर और भी शख्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। टेलर का काम करते हैं भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम है अकबर अली। अकबर अली खान साहब, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो सत्ता में दीदी है, दीदी को ही चाहते हैं, कि यहाँ के लिए दीदी बहुत बेहतर है, और मैं वर्ल्ड में मैंने सबसे फेमस दीदी को ही मानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीदी के खौफ के चक्कर में दीदी को वोट? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये देखते हैं कि आज दीदी के ऐसा मैंने उनकी देन है कि आज 5 रुपया में सबको चावल, अंडा और आलू दम के साथ सबको खिला रही है गरीब को जीने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 रुपये में खाना मिल रहा है, चावल इतने सस्ते हो गए हैं, और इनके रहने की व्यवस्था तो TMC ने खुद कर ही दी है, जैसे कि महिलाएं बता रहे हैं। लेकिन 80 साल की बुजुर्ग भी महिला ये कह रही है कि मोदी नहीं चाहिए और सिर्फ ममता बनर्जी चाहिए। तो इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है, लेकिन ये वक्त साफ तौर पर बता देगा कि आने वाले समय में राज किसके हाथ में होगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।